नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज लखनऊ अमौसी हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। लखनऊ जिला प्रशासन ने अखिलेश यादव के चार्टर्ड प्लेन को लखनऊ से टेक ऑफ ही नहीं करने दिया, जिसको लेकर आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने सीतापुर जनपद सहित प्रदेश भर में योगी और मोदी विरोधी नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सभी सपा नेता व पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और यूपी सरकार के इस रवैये को लोकतंत्र की हत्या बताया। प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समारोह में जाने की तैयारी में थे, लेकिन लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लखनऊ जिला प्रशासन ने अखिलेश यादव की उड़ान को रद्द कर दिया। लखनऊ प्रशासन का कहना है कि प्रयागराज प्रशासन की सूचना पर ऐसा किया गया। फिर क्या था, अपने अध्यक्ष के अपमान से आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से रैली निकालकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शहर के मुख्य चौराहों पर जाम लगाकर योगी और मोदी विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मचारियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज कराना पड़ा, जिसमें बदायूं से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उधर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया। छात्र संघ कार्यक्रम में जाने से रोकने का एकमात्र मकसद युवाओं के बीच समाजवादी आवाज और विचारों को दबाना है। वहीं जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा कि अखिलेश यादव को पत्र के माध्यम से कल ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने सूचित किया था कि कार्यक्रम में किसी भी राजनेता को शिरकत करने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर अखिलेश यादव के निजी सचिव को भी पत्र भेजा गया था। मामले में सपा के जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा हिटलर शाही जैसे वातावरण बनाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी इलाहाबाद छात्र संघ के लिए वो इलाहाबाद जा रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट पर रोककर बिना नोटिस के बिना चेतावनी दिए उनको रोका गया। और उसके तब से जब हम सबको जानकारी प्राप्त हुई मीडिया के द्वारा, तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में हम लोग जिले जिले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोकतंत्र बहाली की मांग करते हैं। महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं लोकतंत्र बहाल किया जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में केंद्र में आई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आज जिले जिले पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में हम लोग धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक, नमस्कार।